बिना टेंडर के, बिना किसी ये के प्रतिस्पर्धा के, अपने मन मर्जी से हजारीबाग में एक लोहरदगा के एनजीओ को और एक चरही के एनजीओ को दे दिया गया, जिसने क्या किया, बाजार से खरीद करके एक शब्बीर इंटरप्राइजेस बोलकर के कंपनी, ये है एक ट्रेडर है, उससे खरीद करके और ये जो है इसकी आपूर्ति की गई। ये कपड़ा आप देख सकते हैं, तो एक बार फील करके देखिए, इसका रोवर हुआ उखड़ गया, इसका पूरा सिलाई खुल गया। आप बच्चों का ये देख सकते हैं कि बड़ा साइज का आपूर्ति किया गया, जो बच्चा पहन ही नहीं सकता, या तो बड़ा है या छोटा है। तो कुल मिला करके जब बेहतर ऑप्शन आपके पास था कि डीबीटी के माध्यम से आप सीधे उनके खाते में भेज सकते थे पैसा, आपने नहीं दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं दिया, तो उसका जवाब है जो झारखंड में चल रहा है कमीशन खोरी का खेल, उसी कमीशन खोरी के चलते जो है इसको पूरा घटना को अंजाम दिया गया है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन झारखंड के हजारीबाग जिले के पोशाक घोटाले मामले में विपक्ष भाजपा के स्थानीय विधायक द्वारा सदन के बाहर बैनर पोस्टर सहित पोशाक सहित विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारीबाग पोशाक घोटाले मामले पर हजारीबाग विधायक का कहना है कि हजारीबाग समिति कुछ अन्य जिलों में बिना किसी टेंडर के स्कूली पोशाक के लिए आपूर्ति की गई, जबकि स्कूली पोशाक की गुणवत्ता उत्कृष्टता नगण्य है, जो कहीं ना कहीं कमीशन खोरी और पोशाक घोटाले को दर्शाता है, और इस घोटाले की अनुमति राशि लगभग 12 करोड़ की है। देखिए, शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि दो कंडीशन उन्होंने दिए थे, एक कि आप डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में जो है राशि 700 कुछ रुपए, 770 रुपए शायद होता है, वो राशि आप हस्तांतरित कर दें, या अगर कोई बुनकर समिति, सक्षम बुनकर समिति जो इसका निर्माण झारखंड में कर सके, उससे निर्माण करा करके वितरित करें। हजारीबाग के डीएससी ने इन दोनों नियमों को ताक पे रख के जो है बिना टेंडर के दो एनजीओस को, एक लोहरदगा के एनजीओ को और एक चरही, हजारीबाग जिला के चरही के एनजीओ को, इन्होंने ये जो है ठेका दे दिया। इसके बाद इन लोगों ने, इन एनजीओस ने हजारीबाग के एक शब्बीर इंटरप्राइजेज है, वहाँ से ये मटेरियल खरीद करके, इनको निर्माण करना था लेकिन इन्होंने खरीद करके वो घटिया क्वालिटी का ये सप्लाई किया। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फटा हुआ, एक धुलाई में फट गया, इसका आप देख सकते हैं कॉर्नर्स क्या है, इसमें ऊन का एक रेश मात्र भी नहीं है, ये कॉटन का धागा है, इससे जाड़ा कहाँ से जाएगा। आप पोशाक का जो साइज है वो देख सकते हैं कि बच्चे डूबे हुए हैं, इतना बड़ा बड़ा पोशाक मिला है कि बच्चे डूबे हुए हैं। तो कुल मिला जुला करके हजारीबाग जिले में 172,000 बच्चों के बीच में लगभग 12 करोड़ की जो है ये बांटी जानी थी ड्रेस, तो ये घोटाला 12 करोड़ रुपए का है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी इसको प्रचारित करें ताकि एक जाँच का हो सके इस पर। स्कूल के बच्चों को ठगने का काम जो है ये किया गया है। सरकार का गाइडलाइन था कि या तो पैसा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली उनके खाते में जाना है, और अगर डायरेक्टली नहीं जाता है तो कोई अगर लोकल बुनकर समिति है जो कि इतने बड़े मात्रा में बनाने में सक्षम है, तो उसको दिया जाना था। हजारीबाग में, और हमको पता चला है कि कुछ अन्य जिले हैं जैसे लोहरदगा है, गिरिडीह है, धनबाद है, यहाँ पे क्या किया गया है कि किसी बिना टेंडर के, बिना किसी ये के प्रतिस्पर्धा के, अपने मन मर्जी से हजारीबाग में एक लोहरदगा के एनजीओ को और एक चरही के एनजीओ को दे दिया गया, जिसने क्या किया, बाजार से खरीद करके एक शब्बीर इंटरप्राइजेस बोलकर के कंपनी, ये है एक ट्रेडर है, उससे खरीद करके और ये जो है इसकी आपूर्ति की गई। वहां तक भी चलिए ठीक था, लेकिन आप देखिए इस कपड़े को देखिए जरा, ये एक बार धुला हुआ ये पूरा तार तार हो गया है, इसमें ऊन का एक अंश भी नहीं है, ये धागा है प्योर, इसका ये देख लीजिए ये कैसे रिंकल आ गया इसमें एक बार धोने के बाद। ये कपड़ा आप देख सकते हैं कि कैसे, एक बार फील करके देखिए, इसका रोवर हुआ उखड़ गया, इसका पूरा सिलाई खुल गया। आप बच्चों का ये देख सकते हैं कि बड़ा साइज का आपूर्ति किया गया, जो बच्चा पहन ही नहीं सकता, या तो बड़ा है या छोटा है। तो कुल मिला करके जब बेहतर ऑप्शन आपके पास था कि डीबीटी के माध्यम से आप सीधे उनके खाते में दे सकते थे पैसा, आपने नहीं दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं दिया,
तो उसका जवाब है जो झारखंड में चल रहा है कमीशन खोरी का खेल, उसी कमीशन खोरी के चलते जो है इसको पूरा घटना को अंजाम दिया गया है। ये हजारीबाग जिले में 1,72,000 बच्चों के साथ जो है 12 करोड़ रुपए का ठगी का ये मामला है। आपसे आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से जो है ये पूरा प्रसारित होना चाहिए ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।